छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये तो है ग्राउंड लेवल, और भाई ये है हमारे पास में एक बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 40 मीटर, ठीक है? हम एक बॉल को यहां से, एक बॉल को यहां से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। बचो, हम एक बॉल को यहां से थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। समझ आ रही बात? यानी इनिशियल, जैसे मैं बताता हूं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि तुम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की रूफ पर हो, छत पर हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है और तुमने बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से। सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात ये होगी कि जहां से तुम बॉल को थ्रो करोगे उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है। इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया है बच्चों ओरिजिन, मान लिया है ओरिजिन, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि तुमने यहां से बॉल को थ्रो किया, कुछ देर के बाद में ये बॉल यहां पर आकर ग्राउंड से टकरा जाएगी, और जब ये ग्राउंड से टकराएगी तब इसकी स्पीड होगी v। तो सबसे पहले देखो y की डायरेक्शन में काम हो रहा है बच्चों, हो रहा है ना y की डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। अगर यही 10 मीटर पर सेकंड ओरिजिन के ऊपर होता तो मैं इसे प्लस ले लेता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ आ रही है बच्चों बात? ओके। जब ये बॉल ग्राउंड लेवल से टकराई तो ये मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी है बच्चों। मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस के वी, ठीक है? क्योंकि ये वी भी ओरिजिन के नीचे है, ऐसे नीचे है ओरिजिन के, इसीलिए माइनस में लिया है, और ये फाइनल है। एक्सीलरेशन तो हमेशा माइनस के ग्रेविटी होता है, वैसे तो वैल्यू होती है माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम अपने काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसकी वैल्यू को 10 लेकर चलेंगे बच्चों। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तीन वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस वी। एक्सीलरेशन तो वाई की डायरेक्शन में यार हमेशा ही माइनस होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, ग्रेविटी हमेशा ओरिजिन के नीचे की तरफ काम करेगी, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है बच्चों। अब ये हमने माना है ओरिजिन, और ये जो 40 मीटर है इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है बच्चों। बताओ 40 मीटर ओरिजिन के नीचे है या नहीं है? ये जो 40 मीटर हमने आपके सामने लिया है बच्चों, ये ओरिजिन के नीचे है या नहीं है? हम कहेंगे डेफिनेटली है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन माइनस के 40 मीटर। लो भैया, हमारे पास में चार वैल्यूज हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी माइनस के वी, एक्सीलरेशन माइनस के 10, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 40। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप देखो बच्चों, यहां भी हमने y की डायरेक्शन में, यहां भी y की डायरेक्शन में, यहां भी y की डायरेक्शन में, और यहां भी y की डायरेक्शन में हमने सभी वैल्यूज को y की डायरेक्शन में लिया है। अब आप देखो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस v, तो हम यहां करेंगे माइनस v का होल स्क्वायर। मतलब ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा भी झोल नहीं है बच्चों, बिल्कुल क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे चलना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ऐसे लगाओगे तो कोई सवाल तुम्हारा गलत नहीं जाएगा। इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, अगर मैं सीधी इक्वेशन भी लगा देता तब भी इसका आंसर निकल जाता, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि अगर उनके अंदर आप सीधी इक्वेशन लगाओगे तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए ये मेथड आपको पता होना जरूरी ही है बच्चों, ठीक है? चलिए, माइनस बी का होल स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू है मेरे पास में माइनस के 10, इसका हो गया होल स्क्वायर 2, वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है माइनस के 10, और ये हो गया माइनस के 40। मतलब मैंने सारी वैल्यूज को यहां पर रख दिया। माइनस वी का स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 400, और ये हो जाएगा 800। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 900, वी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। लो भैया मेरे प्यारे बच्चों,
आपकी v निकल चुकी है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। जब ये बॉल ग्राउंड लेवल से टकराएगी तब इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें ये बताना है कि यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम लगेगा कितना बच्चों। अब देखो यार, टाइम के लिए मैं लगाऊंगा क्या तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन या मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में ही टाइम का टर्म आता है। लेकिन अगर मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा ना बच्चों, तो थोड़ा सा बड़ा बैठेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप देखिए वी वाई यू वाई ए वाई टी, वी वाई की वैल्यू है, अरे वी वाई कितना होगा, माइनस के 30। माइनस 30 क्यों, क्योंकि y ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस। यू वाई की वैल्यू माइनस के 10, ए वाई की वैल्यू माइनस के 10 इंटू टी। माइनस 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 कैंसिल आउट, 10 को इधर लेकर आते हैं, 20 इज इक्वल टू 10t, सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लो भैया 2 सेकेंड का समय लगेगा बॉल को यहां से यहां पर आने में। तो हमने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी बात कि भाई टकराते समय वेलोसिटी कितनी होगी और ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा कितना, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है।